Good morning, students. Today we will start chapter second. The name of the chapter is whole numbers. Chapter second का name है हमारा whole numbers. हम chapter second में whole numbers के बारे में पढ़ेंगे. और whole numbers क्या होते हैं ये हम already पढ़ के आ चुके हैं. जब हम chapter first का introduction कर रहे थे उसमें हमने कुछ numbers के बारे में discuss किया था. और उसी में हमने whole numbers के बारे में भी पढ़ा था कि whole numbers क्या होते हैं. एक बार चीज़ों को वापस से रिकॉल कर लेते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं. कौन से नंबर? जो नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री फोर अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. जो हमारी काउंटिंग होती है, काउंटिंग भी हमारी किससे स्टार्ट होती है? वन से स्टार्ट होती है. तो हम क्या कह सकते हैं? द काउंटिंग नंबर्स वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होंगे वही हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स. सेकेंड टॉपिक है हमारे पास होल नंबर्स. जो हमारे चैप्टर सेकेंड का नेम भी है, होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इफ़ वी एड जीरो टू द नेचुरल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड करते हैं. इस बार नंबर वन से स्टार्ट ना होकर किससे स्टार्ट हो? जीरो से. जीरो वन टू थ्री फोर अप टू अगेन कहाँ तक? इन्फिनिटी तक. तो उस केस में जो नंबर्स हमको मिलेंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? होल नंबर. तो नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं वन से और होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं किससे? जीरो से. कई बार क्वेश्चन उठता है एग्जाम्स में कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या? और उसी तरह से एक क्वेश्चन उठता है कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? देखो, फर्स्ट है क्या नेचुरल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं क्या? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से और होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से. तो होल नंबर के अंदर जीरो के बाद जो भी नंबर्स हमको मिलेंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स ही तो होंगे. जीरो के बाद वन आएगा, वन टू थ्री फोर अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक. तो जीरो के बाद जो नंबर्स होंगे सारे के सारे हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स. तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं. अब उसका उल्टा होता है कि क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं क्या? क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे क्या? देखो, होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से जबकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे किससे? वन से. तो क्या नेचुरल नंबर में कभी जीरो आ सकता है? जब नेचुरल नंबर स्टार्ट ही वन से हो रहे हैं तो उसमें कभी भी जीरो नहीं आएगा क्योंकि उसको हमको अगर होल नंबर बनाना है, नेचुरल नंबर्स को अगर हमको होल नंबर्स बनाना है तो उसमें जीरो आना चाहिए. और नेचुरल नंबर्स में कभी जीरो आएगा नहीं, इसलिए कभी भी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते. जो होल नंबर होंगे वो कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, पर जो नेचुरल नंबर हैं वो हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेडिसर. प्रेडिसर क्या होता है? ये हमारे लिए न्यू टॉपिक है जिसको हम चैप्टर सेकंड में पढ़ने वाले हैं. क्या होता है प्रेडिसर? इफ वी सबट्रैक्ट वन फ्रॉम अ नेचुरल नंबर व्हाट वी गेट इट्स प्रेडिसर. अगर हम वन को सबट्रैक्ट कर देंगे किसी भी नेचुरल नंबर में से तो सबट्रैक्ट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो उस नंबर का क्या कहलाएगा? प्रेडिसर. फॉर एग्जांपल, मैंने एक नंबर लिया 10. क्या लिया मैंने? एक नंबर 10 लिया. मुझे 10 का प्रेडिसर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी? 10 में से माइनस कर दूँगी 1. जब हम 10 में से माइनस करेंगे 1 तो हमको कितना मिलेगा? 9. क्या मिला हमको? 9. तो 10 का प्रेडिसर कौन हो गया? 9. ठीक है. उसी तरह से हमने दूसरा नंबर लिया 12. 12 का मुझे प्रेडिसर फाइंड करना है तो हमको क्या करना है? जब भी हमको किसी का प्रेडिसर फाइंड करना है तो हम उस नंबर में से माइनस कर देंगे 1. तो 12 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास? 11. तो 12 का प्रेडिसर क्या हो गया? 11. उसी तरह से मैंने तीसरा नंबर लिया 45. 45 का हमें प्रेडिसर फाइंड करना है तो अगेन क्या करेंगे? माइनस 1 कर देंगे. 45 में से माइनस 1 करा कितना आ जाता है? 44. तो 45 का प्रेडिसर क्या हो गया? 44. प्रेडिसर का मतलब क्या होता है? कि उस नंबर से पहले आने वाला नंबर. पहले कैसे? अगर आप उस नंबर में से माइनस 1 करोगे तो उससे पहले जो नंबर आ रहा है उस नंबर का क्या कहलाएगा? प्रेडिसर. तो अगर हमें किसी भी नंबर का प्रेडिसर फाइंड करना है तो उस नंबर में से हम क्या करेंगे? माइनस 1 कर देंगे. तो जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो उसका प्रेडिसर कहलाएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर. सक्सेसर क्या होता है? इफ वी एड 1 टू द नेचुरल नंबर व्हाट वी गेट इज इट्स सक्सेसर. अब क्या करेंगे हम अगर हम किसी नेचुरल नंबर में 1 को प्लस कर देते हैं? क्या कर देते हैं? 1 को प्लस कर देते हैं. तो उनको प्लस करने पर जो हमको रिजल्ट मिलेगा, जो हमारा आंसर आएगा, वो हमारा क्या
सक्सेसर. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 10, मैंने अगेन 10 नंबर लिया 10, मुझे 10 का सक्सेसर फाइंड करना है. तो मैं इसका सक्सेसर कैसे फाइंड करूंगी, इसमें प्लस कर दूंगी 1. जैसे ही मैंने 10 के प्लस 1 करा तो मेरे पास आंसर कितना आया, 11. कितना आ गया, 11. तो 10 का सक्सेसर क्या हो गया, 11. उसी तरह से दूसरा नंबर लेते हैं 35. 35 में हमको 35 का सक्सेसर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो कितना आ गया, 36. तो 35 का जो सक्सेसर है वो कितना आ गया, 36. उसी तरह से 100 लिया, 100 का मुझे सक्सेसर फाइंड करना है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, प्लस 1 कर दूंगी, तो उसके बाद कितना आ जाएगा, 101. तो 101 हमारा क्या हो गया, सक्सेसर हो गया 100 का. तो जब भी हमें किसी नंबर का सक्सेसर फाइंड करने को बोला जाएगा तो उस नंबर में हम 1 को प्लस कर देंगे. जब हम उस नंबर में 1 को प्लस कर देंगे और उस नंबर के जो आगे आने वाला नंबर है वो नंबर हमारा कहलाएगा सक्सेसर. देखो 10 के आगे आता है 11, 35 के आगे आता है 36 और 100 के आगे आता है 101. तो ये 11, 36 और 101 क्या है, हमारे सक्सेसर. प्रीडेसर में हम जो 1 होता है उसको माइनस करते हैं और सक्सेसर में हम 1 को प्लस करते हैं. Now let's come to the exercise 2.1. Exercise 2.1 का first question है हमारे पास. Write the next three natural numbers after 10999 means 10999. Question first में हमें इस number के आगे आने वाले three natural numbers लिखने हैं. देखो हमारे पास number given है 10999. इसके आगे कौन से तीन number आएंगे वो हमको बताने. तो अगर हमें किसी भी नंबर के आगे के नंबर बताने होते हैं तो हम उसमें अगर प्लस वन करते हुए चलेंगे तो हमको आगे के नंबर मिल जाएंगे. जैसे अगर मेरे पास 11 होता, 11 में मैं प्लस वन कर दूंगी तो कितना आता है, 12. तो 11 के आगे क्या आता है, 12. उसी तरह से अगर मैंने 12 में प्लस वन कर दिया तो मुझे कितना मिलेगा, 13. 12 के आगे क्या आता है, 13. 11 के बाद आता है 12, 12 के बाद आता है 13, 13 के बाद क्या आता है, 14. तो ये आगे के नंबर मुझे कैसे मिलते चले जाते हैं, जब मैं उसमें प्लस 1 करती हुई चली जाती हूँ. उसी तरह से हमको नंबर दे रखा है 10999. जब इसमें हम प्लस 1 करेंगे तो हमको मिलेगा 11000. फिर 11000 में अगेन हम 1 को प्लस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 11001. जब 11001 में अगेन हम प्लस 1 करेंगे तो हमको मिलेगा 11002. तो ये हमारे क्या हो गए, थ्री नेचुरल नंबर्स हो गए आफ्टर 10999. सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10001. ठीक है, तो अब हमें बोला है कि हमें थ्री होल नंबर्स बताने हैं जो इस नंबर से, किस नंबर से, 1001 से पहले आते हैं. तो जब हमें किसी नंबर के पहले वाले नंबर्स पता करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस वन करते हुए चलते हैं. अगर हमें पीछे की तरफ जाना है, अगर हमें पहले वाले नंबर पता करने हैं तो माइनस वन करते हुए चलो, और अगर हमें आगे के नंबर पता लगाने हैं तो प्लस वन करते हुए चलो. तो हमारे पास नंबर है 1001. जब इसमें से मैं माइनस वन करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 10000. जब हम 10000 में से माइनस वन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9999. जब हम 9999 में से अगेन वन को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9998. तो ये हमारे पास क्या होगा, थ्री होल नंबर्स हो गए अकरिंग जस्ट बिफोर 10001. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. क्वेश्चन थर्ड में हमसे पूछा है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है. देखो हम पढ़ के आ चुके हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से. किससे स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जीरो से. जब होल नंबर स्टार्ट ही जीरो से होते हैं तो सबसे छोटा नंबर कौन होगा, खुद जीरो होगा. तो व्हिच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आंसर है हमारा जीरो. Now let's come to the question number 4. How many whole numbers are there between 32 and 53? 32 and 53 के बीच में कितने whole numbers आएंगे हमको बताना है. तो हम क्या करेंगे, 32 से लेके 53 के बीच में जो जो numbers आते हैं वो सारे लिख देंगे. 32 के बाद क्या आता है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. कहाँ तक लिखेंगे, 52 तक. क्योंकि हमें बोला है कि जो होल नंबर्स हमको लिखने हैं वो 32 और 53 के बीच के लिखने हैं, तो हम 32 और 53 को नहीं लिखेंगे बल्कि इनके बीच के नंबर लिखेंगे. तो कहाँ से कहाँ तक नंबर आ जाएंगे हमारे पास, 33 से लेके 52 तक. उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, राइट द सक्सेसर ऑफ, हमें सक्सेसर बताना है. अभी जस्ट हम टॉपिक में डिस्कस करके आए हुए हैं कि सक्सेसर कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नंबर का सक्सेसर फाइंड
वन कर दो। जो प्लस वन करके आंसर आता है वही हमारा सक्सेसर कहलाता है। फर्स्ट हमारे पास दे रखा है 8244071, ये नंबर हमें दे रखा है। इस नंबर का हमें सक्सेसर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसमें प्लस वन कर देंगे। इस नंबर में जब हम प्लस वन करेंगे और इन नंबर को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 244072, क्योंकि लास्ट में वन प्लस वन कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 244071 का सक्सेसर आ गया 244072। ठीक है, इस तरह से आप बाकी नंबर्स का सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं बी सी डी वो आप उससे ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है राइट द प्रेडिसर ऑफ। क्वेश्चन 6 में अब हमें क्या बताना है, प्रेडिसर बताना है। प्रेडिसर टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे कि प्रेडिसर क्या होता है, तब उसमें हम पढ़ के आ चुके थे कि प्रेडिसर कैसे टर्म निकालते हैं। जो भी नंबर हमें गिवन होगा उसमें से अगर हम माइनस वन कर देंगे और उनका जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, प्रेडिसर। मतलब नंबर से पहले आने वाला नंबर उसका प्रेडिसर कहलाता है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर गिवन है 94 में से जब हम माइनस वन करेंगे तो हमारे पास आएगा 93। 94 से पहले 93 ही आता है, ठीक है। जब हमने 94 में से माइनस वन करा तो हमको मिला 93। तो इसका प्रेडिसर क्या हो गया 94 का, 94 का प्रेडिसर हो गया 93। तो जब भी हमें किसी नंबर का प्रेडिसर फाइंड करना है तो उसमें से क्या कर दो, माइनस वन कर दो, और जब उसका सक्सेसर फाइंड करना है तो उसमें प्लस वन कर दो। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है बी सी डी वो आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट व्हिच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन देम। क्वेश्चन 7 में हमें कुछ पेयर्स गिवन है नंबर्स के। सबसे पहले हमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। हमें साइन यूज करना है ग्रेटर और स्मॉलर का। हमें बताना है कि दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, और दूसरी चीज हमें ये बतानी है कि कौन सा होल नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा दूसरे नंबर के, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 530 और 503। हमें पेयर गिवन है 530 और 503 का, तो हमें पता है कि इसमें 530 जो है वो हमारा ग्रेटर है किससे, 503 से। 530 ग्रेटर है 503 से। तो जब हम नंबर लाइन बनाएंगे तो नंबर लाइन पे सबसे पहले कौन आएगा, 503 आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, 530 आएगा, राइट। पहले तो 503 आएगा, फिर आएगा 530। तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, तो देखो 530 तो आएगा राइट हैंड साइड पर, और 50 किस पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए कि हैंस 503 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। इसी तरह से जो बात की कि नंबर्स के पेयर्स हमें गिवन है उसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर किस तरफ लेफ्ट साइड पर आएगा। नाउ बी में हमें पेयर गिवन है 370 और 307 का। तो देखो हमें पता है कि 370 जो है वो ग्रेटर है 307 से, तो 370 इज ग्रेटर देन 307। अगर मैं इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो सबसे पहले 307 ही आएगा, उसके बाद जाके 370 आएगा। तो 307 और 370 में से कौन सा लेफ्ट हैंड साइड पर है, 307, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस 307 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 370 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्वेश्चन सेकंड में जो सेवन्थ था हमारा, सेवन्थ में ये बताना था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, और जब हम उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन सा नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर आता था, ये हमको बताना था। तो हमने बता दिया, उसी तरह से अब सेवन्थ के रिमेनिंग पार्ट से आप उससे करेंगे। Now let's come to the last question, that is question number 8. Which of the following statements are true and which are false? Question 8 में हमें कुछ statements given है and we have to find out कि कौन सा true है and कौन सा false है. First statement जो हमें given है A, that is 0 is the smallest whole number. कि 0 जो है वो हमारा smallest whole number होता है. तो क्या 0 हमारा सबसे smallest whole number होता है क्या? ए में हमसे पूछा है कि क्या जीरो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है क्या। देखो अगर जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा होता तो यस, जीरो जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। तो ए में हमसे पूछा है जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या जीरो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है क्या, तो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं वन से, जीरो तो उसमें कभी आएगा ही नहीं, तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नेचुरल नंबर नहीं होगा। बी स्टेटमेंट हमें गिवन है 400 इज द प्रेडिसर ऑफ 399, क्या 400 399 का प्रेडिसर है क्या, प्रेडिसर मतलब पहले आने वाला नंबर। तो 399 से पहले तो 398 आएगा, पर यहाँ पर बोल रखा है
D statement is 600 is the successor of 599. जो 599 है उसके बाद आने वाला नंबर जो है 600, क्या वो 599 का सक्सेसर है क्या? तो स्टेटमेंट है टू, क्योंकि 599 के बाद 600 ही आएगा जब आप प्लस वन करोगे तो. नाउ ए स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं क्या? तो यस, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं पर होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, ये हम पढ़ के आ चुके हैं. सो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू. एफ है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, कि क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते. होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, तो नेचुरल नंबर में कभी जीरो आएगा ही नहीं, तो होल नंबर्स कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, फॉल्स. जी है द प्रेडिसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर. इसमें पूछा है कि क्या किसी नंबर का जब हम प्रेडिसर फाइंड करेंगे और टू डिजिट नंबर है तो उसका कभी भी प्रेडिसर सिंगल डिजिट नंबर आएगा कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट अगेन फॉल्स है. अगर 10 है, 10 जो है वो हमारा टू डिजिट नंबर है, इसका मैं प्रेडिसर फाइंड करती हूँ, प्रेडिसर मतलब पहले आने वाला नंबर, तो 10 से पहले आएगा 9 जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स. एस हमें गिवन है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या 1 जो होता है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है क्या? नहीं, 0 जो होता है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, ना कि 1. नाउ आई स्टेटमेंट है द नेचुरल नंबर्स 1 हैज नो प्रेडिसर, जो नेचुरल नंबर होता है 1 उसका कोई भी प्रेडिसर नहीं हो सकता, 1 से पहले कुछ भी नहीं आ सकता नेचुरल नंबर्स में, तो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि जब नेचुरल नंबर ही 1 से स्टार्ट होते हैं तो 1 से पहले अगर हमने 0 लगा दिया तो वो तो बन जाएगा होल नंबर, तो स्टेटमेंट ट्रू है कि 1 का कोई भी प्रेडिसर नहीं हो सकता. जे है द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर, कि जो होल नंबर होते हैं 1 उसका कोई भी प्रेडिसर नहीं होता, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 1 से पहले 0 आ सकता है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और 1 का प्रेडिसर हो सकता है 0, तो स्टेटमेंट फॉल्स है. के है द होल नंबर 13 लाइन बिटवीन 11 एंड 12, जो होल नंबर है क्या वो जो होल नंबर 13 है क्या वो 11 और 12 के बीच में आएगा क्या? नहीं, फॉल्स. एल है द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसर, जो होल नंबर होता है 0 उसका कोई भी प्रेडिसर नहीं होता, मतलब उससे पहले कोई भी नंबर नहीं आता, तो स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं. एन है द सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर, अगर हम किसी नंबर का सक्सेसर फाइंड कर रहे हैं तो वो हमेशा ही टू डिजिट आएगा. अगर मैंने टू डिजिट नंबर लिए और इसका मैंने सक्सेसर फाइंड करा, 99 का सक्सेसर आएगा 100, क्योंकि मैं इसमें प्लस 1 करूंगी तो इसका सक्सेसर आ जाएगा 100. तो स्टेटमेंट हमें बोल रहा है कि किसी नंबर का अगर हम सक्सेसर फाइंड करते हैं तो वो हमेशा ही टू डिजिट नंबर आएगा. अभी हमने करके देखा, जब हमने टू डिजिट नंबर का सक्सेसर फाइंड करा तो वो हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ गया, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है. तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी खत्म होती है. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे.